हाय गाइस, मेरा नाम रौनक है। मैं एक बिहारी हूँ और मुझे बिहारी होने पर बहुत गर्व है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ रोहतास जिले के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, 1972 में शाहबाद डिस्ट्रिक्ट को भोजपुर और रोहतास में विभाजित किया गया था। तब रोहतास एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना। रोहतास डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर सासाराम में है। फैक्ट नंबर टू, कवि कुमार आज़ाद का जन्म सासाराम में हुआ था। उनके माँ बाप ने उनका नाम हरपाल रखा था। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग और राइटिंग का शौक था। ग्रेजुएशन करने के बाद फिल्मों में अपना लक आजमाने के लिए वो मुंबई गए। उन्होंने डीडी नेशनल के सुपरहिट शो जूनियर जी में एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया, लेकिन उन्हें पॉपुलरिटी मिली तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो से, जिसमें उन्होंने डॉक्टर हंसराज हाथी का रोल निभाया था। 9 जुलाई 2018 को हार्ट अटैक से मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई। आप सब मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि तारक मेहता के शो में आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन है। फैक्ट नंबर थ्री, सासाराम में जन्मे मशहूर सिंगर और एक्टर रितेश पांडे भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। उन्हें बलमा बिहार वाला और दोहरे में बसेला प्राण जैसी फिल्मों में काम करने के बाद काफ़ी प्रसिद्धि मिली। उनका गाना हेलो कौन YouTube पर 600 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ बटोर चुका है और ये YouTube पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला भोजपुरी वीडियो बन चुका है। अब कमेंट में मुझे बताएं कि रितेश पांडे का कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता है। फैक्ट नंबर फोर, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के पूर्व MP संजय निरुपम मूल रूप से रोहतास के हैं। उन्होंने AN कॉलेज पटना से पॉलिटिकल साइंस में BA किया है। वे दो बार राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं। फैक्ट नंबर फाइव, पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु कपिल सिंह का जन्म सासाराम में हुआ था। वे इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर थे। 1962 के इंडो चाइना वार के दौरान वो मिग एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे। जब एयरक्राफ्ट किसी तकनीकी खराबी के कारण कंट्रोल से बाहर हो गया, तब कपिल सिंह के सामने उनके गुरु हरि बाबा प्रकट हुए। हरि बाबा की मदद से कपिल सिंह ने एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड किया। इस घटना के बाद कपिल सिंह ने एयरफोर्स की नौकरी छोड़कर आध्यात्मिक जीवन शुरू किया। फैक्ट नंबर सिक्स, रोहतास को राइस बॉल ऑफ बिहार कहा जाता है क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में चावल की खेती होती है। फैक्ट नंबर सेवन, रोहतास में शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी के मकबरे को भारत में अफगान वास्तुकला का बेहतरीन नमूना बताया गया है। वास्तुकार अलावल खान द्वारा डिजाइन किया गया मकबरा एक वर्ग पत्थर के मंच पर खड़ा है। इसे बलुआ पत्थर से बनवाया गया है। फैक्ट नंबर एट, सासाराम शहर के बाहरी इलाके में एक चट्टान है जिसे देवी तारा चंडी के रूप में पूजा जाता है। इस चट्टान पर बनी पुरुष के घुटने पर बैठी महिला की छवि शिव पार्वती की छवि से मिलती है। पहाड़ी पर स्थित माँ तारा चंडी मंदिर सासाराम के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। फैक्ट नंबर नाइन, मांझर कुंड और धुआं कुंड कैमूर की पहाड़ियों से निकलने वाले झरने हैं। धुआं कुंड में पानी के काफ़ी ऊंचाई से गिरने के कारण वातावरण बहुत धुंधला हो जाता है, इसलिए इस कुंड का नाम धुआं कुंड पड़ा है। बारिश के बाद इन झरनों में पानी का स्तर बढ़ जाता है, इसलिए रक्षाबंधन के दिन यहां बहुत बड़ा मेला लगता है और भारी तादाद में लोग घूमने आते हैं। फैक्ट नंबर टेन, रोहतासगढ़ फोर्ट में सैकड़ों वर्षों से बहुत सारे राजाओं, योद्धाओं, डकैतों और आजकल माओवादियों ने अपना बसेरा बनाया है। इस फोर्ट का नाम राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश्व के नाम पर रखा गया है। 1539 में शेरशाह सूरी ने इस फोर्ट पर कब्जा कर लिया था। फैक्ट नंबर 11, कैमूर की पहाड़ियां जबलपुर से सासाराम तक फैली विंध्या पर्वत श्रृंखला का पूर्वी हिस्सा है। इन पहाड़ियों पर घने जंगल, घाटियां और झरने हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप बिहार के बारे में ऐसे ही फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय बिहार, जय भारत।